Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about some important multiple choice questions on quantum mechanics. So if you are preparing for any kind of competitive exam in physics, you must listen this video till end. So let us start with the first question. Question number 1. Which of the following electromagnetic radiations has the photons with greatest energy? So aapke paas 4 option hai. Kis इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फोटोन जो है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी आपको बताना है. तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा बना लेते हैं. सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक एक्सरे गामा रेज होती हैं, देन एक्स रेज, देन अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेज, देन इंफ्रा रेड, माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, मीन्स गामा रेज आर द मोस्ट एनर्जेटिक रेज. तो ब्लू लाइट जो है इट फॉल्स इन द विजिबल रीजन. तो अगर इन इस ऑर्डर में देखें तो सबसे ज़्यादा गामा रेज तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है. तो एक्स रेज जो है दे आर मोस्ट एनर्जेटिक आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस. सो करेक्ट आंसर इज सी. एक्स रेज के बाद आ जाता है ब्लू लाइट, देन माइक्रो एंड देन रेडियो वेव. क्वेश्चन नंबर 2. द सिग्निफिकेंस ऑफ साई मॉड स्क्वेयर इज. सो जो साई मॉड स्क्वेयर है इट सिग्निफाइज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. तो आपके पास दो चीज़ें, एक प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है. साई मॉड स्क्वेयर जो है इट सिग्निफाइज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखते हो इन सम स्पेसिफिक रेंज, इन सम गिवन वॉल्यूम और गिवन लेंथ और गिवन एरिया, तो अगर आप साथ में ये लगाते हो सो देन दिस बिकम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन अ सर्टन रीजन. तो अगर आपके पास सिर्फ साई मॉड स्क्वेयर है विच इज इक्वल टू साई स्टार इन टू साई, सो दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. क्वेश्चन नंबर 3. द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी इज ड्यू टू. तो इनमें चारों में से किसने प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी दिया था? तो द करेक्ट आंसर इज बोहर. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी है दिस स्टेट्स दैट कि कोई भी जो फिजिकल सिस्टम है इट कैन नॉट एग्जिबिट बोथ द पार्टिकल एज वेल एज द वेव नेचर एट द सेम टाइम. साइमल्टेनियसली दोनों नेचर एग्जिस्ट नहीं करते एक टाइम पे. जा तो फिजिकल सिस्टम जो है इट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल और इट कैन बिहेव लाइक अ वेव. तो दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लीमेंटेरिटी विच वॉज गिवन बाय बोहर. क्वेश्चन नंबर 4. इफ द वेव फंक्शन साई इज स्फेरिकली सिमेट्रिक देन द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज गिवन बाय. तो जब हम करते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसका वेव फंक्शन हाइड्रोजन एटम के केस में हम लिखते हैं साई इज इक्वल टू आर थीटा एंड फाई, वेयर आर इज द रेडियल कॉम्पोनेंट. तो यहाँ पे हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है, सिर्फ रेडियल कॉम्पोनेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है. सो इन दिस केस इफ वी कंसिडर द प्रोबेबिलिटी of finding an electron at a distance r and r plus dr from the nucleus. अगर ये nucleus है तो ये distance r है and this distance is r plus dr. तो यहाँ पे जो electron find करने की probability है that is given by pr dr equal to volume of this sphere of width dr. तो 4 pi r square साई मॉड स्क्वेयर डी आर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी. एंड देन इफ दिस इज द प्रोबेबिलिटी सो दिस टर्म इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज सी. क्वेश्चन नंबर 5. फॉर एन एटॉमिक सिस्टम दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू. आपको पता है किसी भी एटॉमिक सिस्टम में अगर दो वेव फंक्शन हैं साई आई साई जे इंटू डी वी और डी क्यूब एक्स लिखा होता है कई बार, इज इक्वल टू डेल्टा आई जे. सो इफ आई इज इक्वल टू जे देन दिस टर्म राइट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू 1 विच इज़ कॉल्ड कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन. एंड इफ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे देन दिस टर्म बिकम्स 0 विच इज़ कॉल्ड कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी. सो इन दिस केस since this wave function has s 2s orbital state means l equal to 0 and for this wave function l is equal to 1. So I is not equal to j means this integral value is equal to 0. So, d is the correct answer.
Next question is, resultant amplitude of two harmonic waves psi 1 is equal to and psi 2 is equal to this after superposition will be. तो दो वेव्स गिवन है psi 1 एंड psi 2. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने के दो मेथड हैं. वन इज के जो आपको पता है psi इज इक्वल टू psi 1 प्लस psi 2. सो रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू सम ऑफ द टू वेव्स. सो सिंपली सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ psi 1 एंड देन psi 2 एंड अप्लाई द फॉर्मूला cos a प्लस cos b. cos a plus cos b is equal to cos a plus b by 2 cos into cos a minus b by 2. So x common ले लेंगे और formula जब apply करेंगे तो आपके पास बचेगा cos kx minus omega t cos kx. जब a minus b होगा तो ये cancel हो जाएंगे सारी terms kx omega t. ये दोनों terms cancel हो जाएंगे. a minus b करेंगे तो सिर्फ pi by 2 बचेगा and cos pi by 2 is 0. So this is 0. So resultant amplitude, resultant wave आएगी वो हो जाएगी 0. So amplitude जो होगा resultant that is 0. And other method of solving this question is simply we consider the amplitude of two waves. So amplitude of first wave is x. So a1 is equal to x and amplitude of second wave is also x. And we know the angle between the two waves is pi. So phi is equal to pi. Now the resultant amplitude A is given by square root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos of phi. Cos phi means angle between the two waves. Psi 1 and psi 2. This angle is pi, so cos pi. And cos pi is equal to minus 1. Substitute value of a1 and a2. So a is equal to a1 square means x square plus x square. This is 2x square. And plus 2 a1 into a2 means again x square. And cos pi is minus 1. So one term is 2x square and other term is minus 2x square. So resultant amplitude A is equal to 0. So these are the two ways of finding the resultant amplitude of two waves after superposition. So correct option is B. Next question, which of the following is not a valid stationary state wave function of a free particle? Here A and B are some constants. So aapke paas char wave function given hai. और इसमें से कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है. वी नो फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन दैट अ वेव फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट वैल्यू. सो आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस दीज थ्री आर द वेव फंक्शंस विद फाइनाइट वैल्यूज. बट दिस फर्स्ट वेव फंक्शन ए एक्स स्क्वेयर इट इज़ नॉट फाइनाइट बिकॉज इट गोज़ टू इन्फिनिटी एज एक्स गोज़ टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी. सो इट मीन्स this wave function is not finite. So it is not obeying the properties of being a wave function. So the answer is option A. Next question, the orbital angular momentum quantum number of an electron is 2. Its orbital angular momentum will be. Yahan pe orbital angular momentum quantum number which is L, it is given equal to 2. And we have to find the orbital angular momentum L. We know the formula L is equal to root L into L plus 1 h cut. And L is equal to 2. So the correct answer is root 6 h cut. So yahan pe ek option mein ye root nahi aana tha. So root 6 is the correct answer. Next. In M shell, which of the orbital angular momentum quantum number is not possible? We know the atomic shells K, L, M, N. These are the atomic shells. And for these shells, principal quantum number is for K it is 1, for L it is 2, for M it is 3, and for N it is 4 and so on. And L orbital angular
momentum quantum number is L is always equal to n minus 1. So if L is n is 2, L could be 0 or 1. If it is 3, L could be 0, 1 or 2, and so on. So in this case, we are given the M shell. For M shell, we can say that L can take values 0, 1 and 2. So it cannot take value equal to 3. So option D is the correct answer. Next question, in harmonic oscillator, the equilibrium position is given by, in case of harmonic oscillator, if we plot a graph between the position and energy, then in case of U is the potential energy, then this graph is like a parabola, and therefore the kinetic energy, the graph is like this, and this is the total energy of the harmonic oscillator. These points are called classical turning points. So this is the graph for the potential energy. Here we can say that the potential energy U, this is equal to half kx square for the simple harmonic oscillator. So the restoring force F, which is equal to minus du over dx, is equal to minus kx in this case. So at the equilibrium position, means at this position, this side amplitude, it is called minus A, and this amplitude is called plus A. On the right hand side, this position is mean position, means x is equal to 0 here. So in one way we can say, if x is equal to 0, then du over dx is 0 at the mean position. So at the mean position, the potential energy becomes 0, because here at the extreme positions, the potential energy is maximum and it decreases as the harmonic oscillator comes to the equilibrium position. So this becomes 0 at the equilibrium position. So right option is A. Next question, the moving particle confined in an infinite potential well is not characterized by which of the following? So this is particle in a potential well problem. यहाँ पे क्या है कि this is a potential well, V is equal to 0 inside, and at the boundaries x equal to 0 and x equal to L, the potential V is equal to infinity at both the boundaries. So in this case we have to find that which is not characteristic of the potential well problem. So in case of potential well, this is the expression for the energy of the particle. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एनर्जी है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. सो एंड दूसरा चीज़ क्या है, एनर्जी इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ क्वांटाइज्ड, बिकॉज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज आएंगी. सो एनर्जी इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, इट इज़ क्वांटाइज्ड एनर्जी. सो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ रेस्ट, दिस इज़ करेक्ट. क्वांटाइज्ड वेव फंक्शन डिफाइनिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पार्टिकल, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो ये दोनों ऑप्शन है, एक में नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स है, एक में पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स हैं. क्योंकि पार्टिकल एंड पोटेंशियल वेल के केस में हमारी जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं, दे आर पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स. सो ऑप्शन ए जो है, दिस इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मूविंग पार्टिकल कन्फाइंड इन अ पोटेंशियल वेल. सो राइट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल डिफाइंड वेव फंक्शन मस्ट नॉट बी, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज बतानी है कि इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वेव फंक्शन की नहीं है. वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, दिस इज़ राइट. वेव फंक्शन मस्ट बी कॉन्टीन्यूस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स, मतलब अगर वेव फंक्शन साई है तो इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड, इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूस. देन वेव फंक्शन मस्ट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मीन्स इफ साई वन एंड साई टू आर द टू वेव फंक्शंस एंड दीज टू वेव फंक्शंस आर सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन, देन सम ऑफ दीज टू वेव फंक्शंस व्हिच इज साई is equal to a1 psi 1. If we take sum of these two wave function, then this linear combination of psi 1 and psi 2 is also a solution of the Schrodinger equation,
which is called principle of superposition. So a function also is the principle of superposition. So jo option D hai, this is not a property of the wave function. So this is answer. Wave function, no, it is not necessary for a wave function that it should always be a real function. Wave function could be real or it could be complex. So answer of this question is option D. Next question is, which of the following is not evidence for the wave nature of the matter? So yahan pe matter ki wave nature ki baat kari hai, which was given by the de Broglie hypothesis. So according to de Broglie hypothesis, matter, it can behave like a particle as well as a wave. So like agar jo light hai, it can has particle nature as well as wave nature, then similarly a matter can also exhibit particle nature as well as wave nature. तो यहाँ पे जो option A है, this is photoelectric effect which signifies the particle nature of light. जो second option है diffraction pattern है, diffraction या interference pattern जो है, they are the evidence of the wave nature of matter. कि जो electrons हैं, they are behaving like a wave. Then that is why in diffraction pattern they superimpose and we get the maxima and minima and all in diffraction pattern. Electron tunneling भी electron के wave nature की बात करता है. तो tunneling जो है, it is because of that electron is behaving like a wave. So जो Heisenberg uncertainty principle है, यहाँ पे भी जो moving particle है, it is represented by wave packet with moving with some group velocity. And जो particle है, it can exist anywhere within the wave packet. So it also validates the wave nature of the particle or matter. So जो तीनों options हैं, तीनों particle के wave nature की बात कर रहे हैं, particle या matter के wave nature की बात कर रहे हैं, only the option A is different because it signifies the particle nature of light. So इसमें से ये जो option A है, ये इसका correct option answer है कि जो part photoelectric effect है, it is not an evidence of the wave nature of matter, it is evidence of the particle nature of light. Next question, a photon of 45 picometer wavelength undergoes scattering by loosely bound electron nearly at rest, the maximum wavelength of scattered photon. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, Compton effect use करेंगे. Compton effect में जो photon है incoming, उसकी हमें wavelength given है 45 picometer and we have to find the wavelength of the scattered photon which is lambda dash and maximum wavelength निकालनी है. So maximum wavelength निकालने के लिए हमें जो scattered angle है, angle of this scattered photon with the x-axis which is phi, we will take phi equal to 180 degree means pi, and according to Compton effect, the wavelength of the scattered photon is equal to lambda dash is lambda plus lambda c 1 minus cos phi, where this lambda c is Compton wavelength and lambda c की value होती है h upon mc. अगर आप इसको solve करोगे h, m and c की value substitute करके, तो this is 2.42 picometer. So now we substitute all the values in this expression. So wavelength of the scattered photon or maximum wavelength of the scattered photon is lambda is 45, lambda c is 2.42, and क्योंकि maximum wavelength निकालने के लिए phi की value होनी चाहिए pi, तो ये जो bracket की term है, this will be 2, क्योंकि cos pi is minus 1, तो ये plus हो गया, 1 plus 1 2 हो गया. तो इसको जब सॉल्व करेंगे, the wavelength of the scattered photon is 49.8 picometer. Option C is the correct option. Next question, a particle is limited to the x-axis, has the wave function psi is equal to ax between x equal to 0 and x equal to 1. So wave function की जो value है, given है psi equal to ax between x equal to 0 to x equal to 1 and psi equal to 0 elsewhere. हमें निकालना है the expectation value of the particle position.
हमारे पास वेव फंक्शन गिवन है साई इज इक्वल टू ए एक्स. सबसे पहले वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है. सो साई इंटू साई स्टार डी एक्स इक्वल टू वन. सो इसको नॉर्मलाइज करके वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड द लिमिट ऑफ एक्स इज फ्रॉम जीरो टू वन. ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू वन. सो वैन वी सॉल्व दिस वी विल गेट ए स्क्वेयर एंड एक्स क्यूब ओवर थ्री. एंड वैन सब्सिट्यूट द लिमिट ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो टू वन वी विल गेट दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री और ए इज इक्वल टू रूट थ्री. सो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से. नाउ और वे फंक्शन साई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स. सो नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोजिशन. सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन इज गिवन बाई साई एक्स साई स्टार डी एक्स एंड लिमिट ऑफ एक्स इज जीरो टू वन. सो वी विल सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ साई एंड साई स्टार जीरो टू वन. ए एक्स मीन्स रूट थ्री एक्स इंटू रूट थ्री एक्स. सो थ्री आ गया एंड एक्स एंड एक एक्स यहाँ पे है. सो एक्स क्यूब हो गया एंड डी एक्स. सो द आंसर इज थ्री बाई फोर विच इज़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोजिशन. और अगर जो थ्री है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थ्री आपका क्या है ए स्क्वेयर. तो ए स्क्वेयर ओवर फोर इज द राइट ऑप्शन. आंसर इज सी. सो दैट इज ऑल. थैंक यू.